हेलो दोस्तों, मैं हूँ सत्य। टेक्निकल एड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा स्विफ्ट का जो नया मॉडल है VDA, उसका इंटीरियर के बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं तीन बातें बताऊंगा जो खासियत नया मॉडल में दिया है। इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो 5 ट्रांसमिशन है और हैंडब्रेक के साथ आता है, और इसमें 1 लीटर रख सकते हैं, और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दिया है। और उसके बाद ऑडियो म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ दिया है, और 4 इंडिकेटर इसमें। और इसका डिस्प्ले में बात करेंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड लुक दिया है। देखिए स्पीडोमीटर जो है उसका जो लाइटिंग रेड कलर का है बहुत ही स्टैंडर्ड दिया हुआ है। और इसमें भी खास ज़्यादा चेंज नहीं किया है। और जो स्पीडोमीटर में जो LED का सिस्टम जो है उसमें टाइमिंग सिस्टम और एवरेज और दोनों बेल्ट का जो ड्राइवर साइड और लेफ्ट साइड का जो बेल्ट ड्राइविंग है उसका इंडिकेटिंग उसमें आ रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस इसमें दिया है जो कि आप पीछे और आगे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और इसका जो ग्लास के में बारे में देखेंगे तो इसमें ऑटो दिया है, ऑटो सिस्टम ग्लास, जो कि ड्राइविंग साइड 4 ग्लास का पावर सिस्टम दिया है ऑटो लॉक, और मिरर का जो सिस्टम है लेफ्ट राइट वो भी ऑटो है, ऑटो सिस्टम मिरर का। और पीछे में देखिए आराम से 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है फिर भी। और पीछे का जो ग्लास है, पीछे का जो बैक साइड ग्लास है वो सीट में आपका लग जाता है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है। और लेफ्ट साइड में आपका जो हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे पकड़ के बैठ सकते हैं। और ये इसमें देखिए स्लो मोशन सिस्टम दिया हुआ है, ये बैक मिरर सीट लाइट। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए इस वीडियो कैसा लगा। और सबसे खासियत बात जो है इसमें ब्लूटूथ और कॉल रिसीवर सिस्टम वो दिया है। इस वीडियो को कैसा लगा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।